जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एक बिल्डर के ऑफिस में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि उनसे पैसा तो पूरा लिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई और अब बिल्डर अपार्टमेंट के लोगों को धमकी दे रहा है। दिल्ली और नोएडा की तरह अब मुरादाबाद में भी बिल्डरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के रामंगा बिहार कॉलोनी में उस समय सामने आया जब कई दर्जन महिला पुरुष जमा हो गए और बिल्डर महेश अग्रवाल के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने लगे। इन लोगों का आरोप था कि अरण्या सिग्नेचर नाम से बनाए गए अपार्टमेंट के नाम पर महेश अग्रवाल ने उन सब के साथ धोखाधड़ी की है। उनसे पैसा तो पूरा लिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। महेश अग्रवाल ने सोसाइटी के लोगों से मिलने का वादा किया था, लेकिन आज वो अपने ऑफिस पर ताला डालकर गायब है। प्रदर्शन में मौजूद एक युवक के आरोपों ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। कुसांग गुप्ता ने मीडिया के सामने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा धमकी मिल रही है। शिवसेना के बिंदु और एक भाजपा नेता लगातार उन्हें धमका रहे हैं, जिनकी फोन रिकॉर्डिंग भी उनके पास है और मौका आने पर पुलिस अधिकारियों को सौंपी जाएगी। मेरा नाम रीता टंडन है, मैं अरण्या सिग्नेचर के टावर 1403 की रेजिडेंट हूँ और जो हमारे यहाँ पे इन्होंने चीजें प्रोवाइड की है वो क्वालिटी बिल्कुल पुअर है। इतनी पुअर क्वालिटी है कि बता नहीं सकते। सीलन आ रही है, टाइल्स टूट रहे हैं, सारे बदरंग टाइल्स हैं और जो सैनिटरी फिटिंग्स इन्होंने ओरिजिनल कह के दी वो सब चाइनीज लगाई है। रोड टूट रही है, लॉक टूट रहे हैं, दीवारों पे सीलन आ रही है। हम एक हथौड़ा मारते हैं तो सारी टाइल्स गिर और हमारी बाथरूम की सीलिंग पूरी नीचे गिर पड़ी और उससे मेरी तबीयत खराब हुई। आई वॉज इन डिप्रेशन। क्या चाहते हैं आप? अरे इसके बाद आप बताइए क्या चाहना होगा हम लोगों का। वो आते हैं, मिलते नहीं हम लोगों से। प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ, क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड है कि वो आए, मिले। उन्होंने 12 बजे हम सबको बुलाया था मीटिंग के लिए और वो अपने गायब हो गए। ये कहलवा दिया, ताला लगा के चले गए। देख लीजिए ताला, आपने देख लिया पहले से। नोटिस सिग्नेचर में हम लोग रहते हैं और मेरा नाम कमलदीप कुमार एडवोकेट है। एक तो हमारे यहाँ जो है भवन में जो सामग्री यूज की गई है, अन्य सिग्नेचर उसमें बिल्कुल थर्ड क्लास ग्रेड की गई है। दूसरा जो हमें कहते हैं आपके कवर्ड एरिया दिया गया, जो बिल्ड एरिया है और सेल एरिया में जो है वो बहुत डिफरेंस है। पार्किंग के लिए हमसे जो उन्होंने ओपन में लिया गया है शुल्क 1.5 लाख रुपए, वो बेच ही नहीं सकते। और क्लब के लिए 15,000 रुपये एक मुश्त लिया गया, वो भी कहते हैं क्लब आज तक नहीं बना के दिया है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। हम सिक्योरिटी के प्रोसेस होते हैं, आप देख रहे हैं इनके गेट पे सिक्योरिटी वाला है, उसको नंबर तक नहीं पता कि महेश जी का नंबर क्या है। या तो वो झूठ बोल रहा है या महेश जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब हमारी छोटी छोटी परेशानियाँ हैं। आज 12 बजे उन्होंने हमको एक हफ्ते पहले नोटिस दिया था, हम सब लोग अपने अपने काम छोड़कर आए और उसके बावजूद उन्होंने, वो दिल्ली बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया हम पर जो है समय नहीं है, आप वो मीटिंग में आए ही नहीं। अगला स्टेप यही है कि हम कमिश्नर को और कहते हैं आपके मुख्यमंत्री को और VC को हम कहते हैं आपके अपना वो देंगे परेशानियां जो कि इसके अधिकारी हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं। महेश जी को करें, नहीं अभी सरकारी उसमें नहीं कर पाए हम। इनका जो जो प्रोजेक्ट है रेरा पर रजिस्टर ही नहीं है और इनका बिल्डर के अब बिल्डर के खिलाफ FIR भी कराएंगे अगर मंजूर होगी तो। धोखाधड़ी करिए, मेरे को जैसे बच्चे को धमकी दी है। जी मेरा नाम कुशांग गुप्ता, अरण्या सिग्नेचर का रहने वाला हूँ मैं। मैं CA द्वारा मेरे को धमकी दी जा रही है और काफी बड़े बड़े आदमी है जिनसे मैं तो बच्चा हूँ, आपके सामने आप देख ही रहे हो, मगर मेरे को धमकी दे रहे हैं। ये मेरे को धमकी दिलवा रहे हैं बार बार। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिन्होंने मेरे को धमकियों के लिए कहा है रिकॉर्डिंग भी है, ये मेरे को धमकियां तक दिलवा रहे हैं। तो वजह क्या है? नहीं ये समझ रहे हैं कि बस मैं ही कर रहा हूँ सारी हर चीज को, मैं ही आगे के लिए कर रहा हूँ कि जो भी आपकी परेशानी है मतलब बिल्डर के थ्रू, तो वो सब मेरे ऊपर कर रहा है और मैं बच्चा मैं कहाँ से कर लूंगा और फिर बड़े बड़े लोगों से ये मेरे को धमकियाँ दिलवा रहा है। क्या कहते हैं धमकी? बस धमकियों में ये कह रहे हैं तुम आके मिलो हमसे
और नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा ऐसे ऐसे, और बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कौन 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 कहता है? अब सर ऐसे दो जने, अब मैं कहूँगा तो वो फिर सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए शिवसेना के आपके बिंदु जी हैं, कोई अध्यक्ष हैं और जसवीर सिंह जी थे, उन्होंने भी मेरे को धमकी दी है। रिकॉर्डिंग बिंदु जी जो है शिवसेना वाले, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने यही कहा है कि आके मेरे से मिलो, अगर नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। तो खतरा मेरे को पूरा पूरा बना हुआ है, और मेरी तो दुकान है छोटी सी स्पोर्ट्स की, और हर दिन वो आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरी दुकान के, मेरे को डर लगा रहता है। किस बिना पर आपको धमकी दी है? नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ों को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, अब मैं बच्चा जरा सा था, मैं आगे क्या लेके चलूंगा किसी को। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।